आज का प्लान ये है कि अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, मेरे कुछ रिलेटिव आ रहे हैं उनको पिक करने, फिर वहाँ से मैं जाऊँगा थाने, थाने इज अ प्लेस यहाँ पे मुंबई में थोड़ा आउटस्कर्ट्स में, वहाँ पे जाऊँगा, मेरे कज़न की शादी है वो अटेंड करने। मेरे रिलेटिव पहली बार मुंबई आ रहे हैं तो उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं आगे बारे में, तो आई थॉट कि मैं उनको पिक कर लूँ, उनको साथ में जाऊँगा। ओके गाइस, सो आई हैव ऑलमोस्ट रीच्ड और बहुत ट्रैफिक था, मतलब 2-2.5 घंटे लग गया आने में, और मैंने जर्नी की वीडियो बनाई नहीं क्योंकि फिर बहुत बोरिंग हो जाता है बार बार जर्नी का दिखाना, वही रोड वही ट्रैफिक, इसलिए मैं डायरेक्टली होटल की अब से स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो ताकि बोरिंग ना हो। इसलिए ओके, सो चेक इन हो गया, सब कुछ हो गया और मैं रूम में आ गया हूँ और मैं बहुत थक गया हूँ, मतलब बहुत दूर है यार मुंबई में ट्रैवल करना ना, इट्स लाइक वेरी हेक्टिक। सो और मैंने तो आते ही रूम की हालत बहुत ख़राब कर दी है, सो पूरी नींद हो गई है, आई एम ऑल फ्रेश, अब मैं जा रहा हूँ नीचे जहाँ सारे फंक्शन चल रहे हैं वहाँ पे जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, सो अब मैं जा रहा हूँ नीचे ब्रेकफास्ट करने, आज मेरे कज़न की शादी है, सो अभी एंगेजमेंट है, फिर दिन में शादी है और रात को भी कुछ है पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, तो अब वहाँ जा रहा हूँ। सो आज मेरे कज़न की शादी है और आई विल शो यू द फुल मराठी वेडिंग, ऑल्दो आई एम नॉट मराठी बट वेडिंग इज इन बॉम्बे, सो आई विल शो यू द फुल मराठी वेडिंग। शादी हो गई है, अब मैं जा रहा हूँ सोने क्योंकि सुबह मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है, कल मेरी फ्लाइट है दिन की बैक टू दिल्ली और मैंने कुछ पैकिंग नहीं किया अब तक, सुबह मुझे उठ के पैकिंग भी करना है और वैसे इतना जल्दी भी नहीं है सोने का क्योंकि इट्स 1 AM, इतना जल्दी भी नहीं है, टाइम हो ही गया सोने का। गाइस इस वीडियो में मैंने सिर्फ शूट किया, ज़्यादा बात बात नहीं की क्योंकि जो भी मुझे फ़नी लगा इंटरेस्टिंग लगा जो भी मैं दिखा सकता था मैंने सिर्फ वही शूट किया और इसके अलावा मैंने कोई शूट नहीं किया क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी आती है, बोरिंग आती है और फिर मज़ा नहीं आता देखने का।